हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में। तो चलते हैं इस वीडियो में। स्टेट बैंक इंडिया जो स्टॉक है, SBIN बोलते हैं उसको, इसका वन डे कैंडल अभी खुल के रखे हैं। वन डे कैंडल में देख पा रहे हैं हम यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, बार बार 490 के आसपास यानी 500 के पास सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट जोन नहीं तोड़ रहा है। यानी एक बार सपोर्ट लिया था, वहाँ से मूवमेंट करके 530 तक आया, फिर दोबारा गिरावट होने के बाद वहीं पर सपोर्ट लेके फिर दोबारा जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हमारा एंट्री पॉइंट भी गुड है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो रेंज रहता है वो थोड़ा नज़दीक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 500 को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। अगर 500 ब्रेकआउट हो जाने से आपको थोड़ा तकलीफ होगा। और लॉन्ग टर्म बेसिक में जो होल्डिंग करते हैं उन लोग के लिए कुछ नहीं है, उन लोग तो होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो लॉन्ग टर्म बेसिक ट्रेंड बहुत बढ़िया है। पीछे का जो हम ट्रेंड देख पा रहे हैं, पिवट पॉइंट कर देते हैं, इसका पीछे का जो इंडिकेटर जो ट्रेंड देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया ट्रेंड में गया है, और आने वाला समय में यह और अच्छा ट्रेंड में जाएगा। तो अभी जो हम देख पा रहे हैं 503 के आसपास अभी बना है, अभी जो 503 के पास बना है, तो इसलिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट नहीं देता है तो यहाँ से अच्छी तरह मोमेंट देगा, कम से कम 550 टारगेट तक अचीव कर सकता है। किंतु मार्केट का जो हाल है, जो इंडेक्स हाल है, थोड़ा गिरावट रहता है, इसलिए ये जो बैंकिंग सेक्टर है उसको थोड़ा नीचे दबा के रखा है। तो आपको ये ध्यान देना है, कोई भी शेयर आपको लॉन्ग टर्म बेसिक में लेने से आपको पहले ये स्टॉप लॉस को ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका प्रॉफिट है जो लॉस को कम करता है। अगर प्रॉफिट हो तो वहाँ से कम प्रॉफिट में भी आपको निकाल दे सकता है, ज़्यादा लॉस नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इंट्राडे प्लेयर हो वो तो ज़रूर स्टॉप लॉस लगाए, अगर लॉन्ग टर्म बेसिक प्लेयर हो यानी CNC होल्डिंग लॉन्ग टर्म बेसिक में रखता है तो आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाने से भी चलेगा, किंतु लॉन्ग बेसिक में स्टॉप लॉस लगाए, मैंने जो 450 के आसपास स्टॉप लॉस लगाए, अगर वहाँ हीट होता है और एंट्री करने का मौका मिलता है तो और एंट्री करिए। क्योंकि SBI स्टेट बैंक अच्छा शेयर है, उसका अभी चार्ट पढ़ लिए, हम एंट्री पॉइंट कहाँ लेंगे, यही आसपास प्राइस में लेंगे जो अभी चल रहा है, कम से कम 500 चल रहा है। ये प्राइस इंडिकेटर जो यहाँ देख पा रहे हैं, ये ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ये इंडिकेटर यानी 490 के आसपास ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, और ये ब्रेकआउट होता है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से नीचे और गिरावट हो सकता है। तो ये वीडियो में हम स्टेट बैंक का चार्ट बता दीजिए, स्टेट बैंक का चार्ट हम बता के आपको मोटिवेशन मैंने रिकमेंड किया स्टेट बैंक लेने के लिए, बट हमको ये देखना है उसका फंडामेंटल कैसा है। फंडामेंटल स्टेट बैंक का अच्छा है, फंडामेंटल प्रॉफिट जनरेट अच्छा होता है, क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा रहता है। तो ये हमारा ये रिकमेंडेड शेयर है। थैंक यू, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए।